डी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स डी स्टूडेंट्स आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूँ मोहम्मद नवाज वडैज पोलिटिकल साइंटिस्ट और डी स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशनस तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन वट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और इसके साथ जो है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विच आर द मेजर एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैज पोलिटिकल साइंटिस्ट और आज हम डिस्कस कर रखे हैं कि वट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड यूज़ ऑफ द टर्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और इसके साथ साथ जो है वी विल डिस्कस द एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस तो आइए इस वीडियो को इस वीडियो का आगाज करते हैं स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट इज साइंस विद विच सॉल्व द ऑफ इंटरनेशनल लाइफ और एट इट्स बेस्ट इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू यूज प्रॉब्लम्स पावर एंड पावर एंड परकन्स जो हैं उनका कहना यह है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इस नाट ए साइंस with विच वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल लाइफ और इंटरनेशनल community or ग्लोबल वर्ल्ड तो इंटर इनका कॉमन एंड पर्कन ये कहते हैं कि इंटरनेशनल जो है कोई ऐसी साइंस नहीं है कोई ऐसा तरीक़ेक नहीं है जिसकी मदद से जो है हम इंटरनेशनल लाइफ जो है जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है उसके मसइल का हल करते हैं ये कोई ऐसा मैथड नहीं है ये बेसिकली है क्या एट इट्स बेस्ट इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू दो प्रॉब्लम्स तो बेसिकली जो है जो इंटरनेशनल रिलेशनस है इसमें हम जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं इसके जो मुख्तु प्रॉब्लम्स होते हैं जो इसके जो इशूज़ होते हैं और इसके जो दीगर जो मामलों हैं इसके जो डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं और स्टेट टू तो स्टेट जो रिलेशन होते हैं चाहे है वो इकनॉमिक रिलेशनस हों वो पोलिटिकल हों उनका तलक वार एंड पीस के साथ हो तो उनकी जो है उन चीज़ों की हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं और उन चीज़ों को जो है ऑब्जेक्टिवली जो है वो हम स्टडी करते हैं तो ये बेसिकली करी है ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल लाइफ आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल uh, रिलेशन के बारे में है जी इट इज़ बेसिकली ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है uh, ये थोड़ा सा पहले जो है इसको एज ए सेपरेट और इंडिपेंडेंट एक डिसिप्लिन के तौर पे जो है लिया गया है और इससे पहले जो है uh, जो इंटरनेशनल रिलेशन था डेट वाज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट इज़ बेसिकली ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच कंसर्न विद द रिलेशंस अमंग नेशंस तो बेसिकली जो है ये एक पोलिटिकल साइंस की ब्रांच है विच कंसर्न विद द रिले मंग द नेशंस तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये इसका तलक किस चीज़ के साथ है ये जो रियासतों के जो रिलेशंस हैं रियासतों के दरम्यान जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं या कल्चरल रिलेशंस होते हैं सोशल रिलेशंस भी हो सकते हैं उनका तल्लक वार एंड पीस के साथ हो सकता है तो उन रिलेशंस के जो है ये इसका कंसर्न होता है एंड सॉवरन स्टेट्स यहाँ जो सॉवरन स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट होती हैं तो जो स्टेट एंड जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं उनके उनका जो स्टडी है डेट इस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड परमानेंटली विद फॉरेन पॉलिसीज एंड डिप्लोमेसी ऑफ स्टेट्स और इंटरनेशनल रिलेशन क्या है जी दोबारा इसको देखते हैं इट्स ए ब्रांच ऑफ पोलिटिकल साइंस जी इंटरनेशनल रिलेट बेसिकली ये ब्रांच ऑफ पोलिटिकल साइंस विच कंसर्नस विद द रिलेश नेशंस एंड सॉर्न स्टेट्स तो ये मुख्तलि नेशन्स के दरमियान और जो सॉवरन स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन होते हैं उसकी स्टडी का नाम है एंड परमानेंटली विद फॉर पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी तो ये बेसिकली जो है जो रियासतों की जो फ़ॉरन पॉलिसीज होती हैं जहाँ रियासतों के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशनस होते हैं उनको जो है स्टडी करने का नाम है आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं आई आर इस द आई आर इज़ द स्टडी ऑफ अमंग द इंटर स्टेट इंटर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ऑफ द स्टेट्स तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है इंटरनेशनल रिलेशनस क्या है इट इज़ अ स्टडी ऑफ द रिलेशंस तो ये रिलेशंस को स्टडी करता है स्टेट टू स्टेट जो रिलेशंस हैं सॉवरन स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं चाहे वो रिलेशंस जंग पर मबनी हों चाहे वो रिलेशंस पीस पर मबनी हों चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हों फॉर पोलिस से उनका तल्लक हो वो जो है वो लोगों की एक रियासत से दूसरी रियासत की तरफ माइग्रेशन से उनका तल्लक हो उनका तल्लक इकनॉमिक ईशूज के साथ हो उनका तलक जो पॉलिटिकल इश्यूज के साथ हो तो जितने भी स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं चाहे वो इकोनॉमिक हैं कल्चरल हैं पॉलिटिकल हैं सोशल हैं तो उन तमाम रिलेशंस को जो है उनकी उनकी जो स्टडी है उसको जो है इंटरनेशनल रिलेशंस कहा जाता है तो आई आर इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग द इंटर स्टेट्स नेक्स्ट है इंटर गवर्नमेंट तो एक रियासत की जो गवर्नमेंट है उसकी दूसरी रियासत की गवर्नमेंट के साथ जो मामला होते हैं उनकी जो स्टडी है कि एक रियासत की गवर्नमेंट दूसरी रियासत की गवर्नमेंट के साथ किस तरह मामला करती है उनके दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे होते हैं उनके दरमियान मुख्तल जो महदे होते हैं वो किस तरह होते हैं उनको साइन कौन करता है उनकी नेचर क्या होती है रियासत के बिहाब के ऊपर गर्मेंट्स काम कैसे करती हैं तो इनके दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं द स्टडी ऑफ दोस् रिलेन्स इज आल्सो कार्ड इंटरनेशनल रिलेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स तो इंटरनेशनल स्टेट्स हैं उसमें जो मेजर इंटरनेशनल रिले के अंदर जो मेजर एक्टर होता है वो स्टेट होती है उसके बाद गवर्मेंट्स होती हैं लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है गवर्नमेंट और स्टेट्स के अलावा जो है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुन्शल एक्टर होता है वह होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जैसे एन होती हैं एम होती हैं ट ग्रुप्स होते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं ये भी इंटरनेशनल रिलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और रियासतों के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं या दीगर तलाक होते हैं ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जब हम स्टेट टू स्टेट रिलेशन को डिस्कस करते हैं तो उसके साथ जो है हम रियासतों के दरमियान ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं या जो एन हैं एम हैं मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं तो इनको भी हम स्टडी करते हैं कि ये किस तरह है रियासतों के दरमियान जो जो तल्लाक हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और रियासतों के ऊपर अपनी मर्जी जो है ये मुसलत करने की कोशिश करते हैं जी इन मॉडर्न टाइम्स द वर्ल्ड हैज़ ग्रेटली श्रांक ऐसे रिजल्ट आफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिवेलमेंट तो कहा जाता है कि ये जो दौर है इसमें जितनी तेज़ी के साथ सैंटिफिकली तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की हुई है इंटरनेट की वजह से जो है दुनिया एक दूसरे के बहुत करीब आ गई है कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है एक दुनिया के एक हिस्से के अंदर जब कोई इवेंट होता है तो विद इन सेकेंड्स से जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैल जाता है तो इसने क्या किया है इसकी वजह से दुनिया आपस में सिकड़ गई है दुनिया एक दूसरे की बहुत क्लोज हो गई है और एक रियासत के अंदर जो इवेंट होता है जो वाक्य रूनमा होता है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो लाजमी तौर पर दूसरी रियासतों के ऊपर जो है वो होता है जैसा मैंने लास्ट में जो है ये दिया हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो 2001 के अंदर जो है जब अमेरिका के अंदर 9 अलेवन का एक सैड इंसिडेंट हुआ तो वो बेसिकली देखें आप वो अमेरिका के अंदर हुआ था अमेरिका के अंदर से ही जहाज उड़े और अमेरिका के अंदर ही उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो है वो हिट किया था लेकिन उसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है नमोदार हुए हैं शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जिससे मुतासर ना हुआ हो तो अब जो है दुनिया एक दूसरे की कितनी करीब हो चुकी है एक साइंटिफिक जो इश्यूज साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हुई है और ख़ास तौर पे जो इंटरनेट की वजह से डेवलपमेंट हुई है और सोशल मीडिया की वजह से जो डेवलपमेंट हुई है इस चीज़ ने क्या किया दुनिया को दूसरे के बहुत करीब कर दिया है तो एक रियासत के अंदर जो वाक़ रूनमा होता है वो दूसरी रियासत के ऊपर भी अपने असरा मुरतब करता है वो इन्फ्लुंस करता है दूसरी रियासत को तो इस चीज़ ने क्या किया जो मॉडर्न टाइम्स हैं द वर्ल्ड हैज़ श्रंक एज ए रिजल्ट ऑफ दइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिवेलमेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस इवेंट्स इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव रेपिड इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब इस तेज़ तरक्की का नतीजा क्या निकला साइंटिफिक तरक्की ने क्या किया कि दुनिया को एक ग्लोबल विलज में तब्दील कर दिया है और उस ग्लोबल विल्ज के अंदर जब भी कोई वाक्य रूनमा होता है कोई इंसिडेंट होता है चाहे वो कोई बड़ा खुशगवार वाक्य हो या कोई बड़ा जो है बैट वाक्य हो तो क्या होगा उसका इन्फ्लुएंस जो है वो लाजमी तौर पे दुनिया के अंदर पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर अगर कोई वाक़ होता है तो इंडिया उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है इंडिया के अंदर कोई वाक्य होगा तो पाकिस्तान उसके इर्द गिर्द के मालिक जो है लाजमी तौर पर उससे मुतासर होते हैं तो इस चीज़ ने क्या किया कि इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं उसकी अहमियत को जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया है जी नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है नो स्टेट्स हैव टू मेंटेन रेगुलर रिलेशन विध वन एंड अदर अब दीजिए क्या निकला कि इस दौर के अंदर जो है स्टेट्स बाकायदा तौर पर रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो आपस में रिलेशनशिप मैन मैनेज करती हैं वो इकनॉमिक रिलेशनस होते हैं उनके दरमियान उनके दरमियान सोशल रिलेशनस होते हैं फिनैंशियल रिलेशनस होते हैं उनके दरमियान जो है कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनके दरमियान जो है जो उनकी मैन पावर होती है उसकी माइग्रेशन के हवाले से होते हैं आ, तो कई हवालों से जो है हर रियासत जो है वो दूसरी रियासत के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो रियासतों जिस तरह दो अफराद के दरमियान जो है सोसाइटी के अंदर जो है इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है तो स्टेट्स के दरमियान भी इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है तो यही जो इंटरडिपेंड इंटरडिपेंडेंसी है ये रियासतों के दूसरे के बहुत करीब कर देती है तो इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है इस ये जो सब्जेक्ट है ये जो डिसिप्लिन है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी डिवेलपमेंट हुई है इसका एवोल्यूशन बड़ी तेज़ी के साथ जो हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन सिंस द अर्लीर टाइम्स एंड एंशियंट स्टेट्स लाइक अजिप्ट चाइना ग्रीस इराक एंड इंडिया हैड इवॉल्ड रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ दीज रिलेश तो इंटरनेशनल रिलेशन है अगर ये इसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन का स्टेटस तो अभी कुछ अर्सा पहले हासिल हुआ है लेकिन कदीम जमाने के अंदर जो है या इसको uh, कबल मसीह के दौर में अगर कहा जाए तो उसमें जो कदीम यूनान की रियासतें थीं या कदीम जो मिस्र है एजिप्ट है चाइना है ग्रीस है इराक़ है इंडिया है ये जो कदीम कबल मसीह की जो तहजीबें थीं उनके दरमियान भी इंटरनेशनल रिलेशन का कंसेप्ट मौजूद था अगर जो उसकी नेचर मुख्तलिफ थी उसकी नोयीत मुख्तलफ थी रियास्तों के दरमियान मामलों का तरीक़ार मुख्तल था या वो बड़ा लिमिटेड था लेकिन बहरहाल ये चीज़ जो थी वो ज़माने कदीम में भी मौजूद थी और आज तो बड़ी साइंटिफिकली जो है ये डेवलपमेंट हो चुकी है इसकी देखें जब से इंटरनेशनल रिलेशन की औरजन कहाँ से होती है इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये कितना कितना पुराना मजमून है तो इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जब दुनिया के अंदर दूसरी रियासत वजूद में आई तो दूसरी रियासत के वजूद में आने के साथ ही जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसका आगाज हो गया था तो जब दुनिया के अंदर दो सावरन स्टेट्स कैम हो गई तो उन दो सावरन स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप कैम हुए चाहे उनकी कोई भी नेचर थी कोई भी नोयीत थी कोई भी मामला था वो सोशल था कल्चरल था इकनॉमिक था जो भी था वो जंग पर मबनी था अमन पर मबनी था तो जब एक रियासत को दूसरी रियासत की ज़रूरत पेश आई और उसने दूसरी रियासत की मदद से वो जरूरत पूरी की तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसका आगाज़ हो गया था फिर मुख्तलफ तरीके से आगे बढ़ता गया इसका जो एवोल्यूशन है वो होता गया और आज ये एक एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे जो है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है इसको पढ़ाया जा रहा है आइए नेक्स्ट देखते हैं इन शॉर्ट इन स्टार्ट दीज रूल्स वर बेस्ड ऑन मोरेलिटी एंड दे कवर्ड द ए स्पेसिफ़िक रीजन अब जब इंटरनेशनल रिलेशन का आगाज़ हुआ तो आगाज़ में जो है जो रियासतों के दरमियान जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन किए गए तो वो उनकी बुनियाद मोरालिटी के ऊपर रखी गई थी अखलाक जिस तरह चीज़ें होती हैं वो मोरालिटी बेस्ड रूल्स थे और वो सिर्फ़ एक ख़ास इलाके की जो रियासतें थीं उनको ही कवर करते थे यानी वो रूल्स पूरी दुनिया के लिए नहीं होते थे जिन दो रियासतों के दरमियान या दिन जिन तीन चार रियासतों के दरमियान रिलेशनशिप होते थे वो उन्हीं तक ही महदूद होते थे दीगर रियासतों का उनके साथ बर रास्त कोई ताल्लक़ नहीं होता था लेकिन फिर क्या हुआ इन सेवनटीन सेंचुरी स्टेट अस्टैब्लिश रिलेशन विद वन एंड अदर बियॉन्ड द रीजन तो फिर जब सेवनटीन सेंचुरी के अंदर जो है इसकी डेवलपमेंट हुई और रियासतें जो हैं एक दूसरे के बहुत करीब हुई रियासतों ने जो है इकनॉमिक फील्ड के अंदर बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की और रियासतों की जो जरूरियात हैं वो बढ़ना शुरू हो गई और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो इन जंगों ने भी जो है रियासतों को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया और फिर एक बकायदा तौर पर जो है पीस स्टडी का आगाज़ हुआ वार स्टडी का आगाज़ हुआ जंगों से कैसे बचना है पीस को कैसे मेंटेन करना है तो ये ये जो हादसा हुए इन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसकी जो इंपॉर्टेंस थी इसकी जो सिग्निफिकेंस थी उसको बढ़ा कर रख दिया और फिर आज ये एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे जो है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ये पढ़ाया जा रहा है तो द इम्प्रूवमेंट इन कम्यूनिकेशनल टूल्स यानी क्यों कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशनल टूल्स तो जैसे जैसे जो कम्युनिकेशनल टूल्स थे मतलब पहले अखबार होते थे फिर रेडियो फिर टेलीविज़न और अब जो है इंटरनेट आ गया है सोशल मीडिया आ गया है बेशुमार टूल्स आ गए हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह आपने मूव करना हो तो उसमें बड़ी आसानी के साथ है। आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर सकते हैं जो घंटों का जो जो महीनों का जो सफ़र होता था वो आप चंद घंटों के अंदर तय कर लेते हैं तो क्या हुआ इससे एक रियासत को दूसरी रियासत के साथ कांटेक्ट करने में बड़ी आसानी हुई है एक रियासत जो है अब दूसरी रियासत की जो डेवलपमेंट है उसको अपने फायदे के लिए बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकती है तो जो कम्युनिकेशनल टूल्स थे जब इनके अंदर डेवलपमेंट हुई तो इससे इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके अंदर भी डेवलपमेंट हुई है और फिर क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने क्या किया कि इंटरनेशनल रिलेशन को जो है वो वो भी डिवेल्प किया इसका एवोल्यूशन भी जो है वो तेज़ हुआ कि अब जो रियातें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही थी तो वो जो अपनी जरूरत से ज्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रही थी तो उनको जो है उनसे फ़ायदा करने के लिए क्या किया तजारत दूसरी रास्तों के साथ ट्रेड शुरू कर दी तो जब दूसरी रियासों के साथ ट्रेड करती थी तो उसके ट्रेड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए जाते थे तो इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसकी डेवलपमेंट जो थी होना शुरू हो फिर है रैपिड रेपिड ट्रांसपोर्ट तो रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है इसने भी इंटरनेशनल रिलेशन को जो है वो वो बेहतर किया है कंट्रीब्यूट टू द डिवेलमेंट ऑफ़ द इंटरनेशनल रिलेशन तो दोबारा देखिएगा जो कम्युनिकेशनल टूल्स हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट हुई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रैपिड ट्रांसपोर्ट के जो ज़रए आए हैं इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन को प्रमोट करने में जो है बड़ा अहम करदार जो है वो अदा किया है और नेक्स्ट पॉइंट है जी यूज़ ऑफ़ द टर्म ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन के रियासतों के दरम्या जो रिलेशनस होते हैं उसके लिए आज जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डेट इज़ इंटरनेशनल रिलेशनस तो रियासतों के दरमियान कैम होने वाले जो रिलेशन्स हैं उनको हम इंटरनेशनल रिलेशनस क्यों कहते हैं यह सबसे पहले ये इंटरनेशनल रिलेशन की जो टर्म है ये सबसे पहले किस शख्स ने इस्तेमाल की थी हु टर्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं द टर्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनस वूज्ड बाई द फर्स्ट टाइम जर्मी बैंथम इन द लेटर पार्ट ऑफ एटीन सेंचुरी तो अभी कल की बात है अठारहवीं सदी जो है उसमें जर्मी पेंथम जो था जिसका तल्लक बरतानिया के साथ था यूके के साथ था तो उसने सबसे पहले जो है रियासतों के दरमियान जो तलकत हैं उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म इस्तेमाल की तो ये टर्म जो है अब इसके इससे पहले जो है रियासतों के दरमियान जो रिलेशन होते थे उनके लिए मुख्तु टर्म्स इस्तेमाल होते जैसा ग्लोबल रिलेशन हो सकता है वर्ल्ड रिलेशन हो सकता है तो मुख्त टर्म्स इस्तेमाल होती इंटर स्टेट रिलेशन की टर्म इस्तेमाल होती थी तो लेकिन जब जर्मी बैंथम ने ही यूज़ द टर्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेस तो फिर क्या हुआ कि दुनिया भर की तमाम जो इंस्टीट्यूशन थे तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ थी जो पोलिटिकल साइंस के जो लोग थे उनको ये टर्म जो है ज़्यादा सूटेबल नज़र आई और फिर इस टर्म को इस्तेमाल किया जाने लगा आज रियासतों के दरमियान कैम होने वाले जो तल्लक हैं चाहे है वो सोशल हों पोलिटिकल हों इकनिक हों या उनकी कोई भी नेचर हो उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म ही इस्तेमाल की जाती है और फिर मैं कह रहा हूँ दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करवाती है और डिग्री जो है वो अवॉर्ड करती हैं और नेक्स्ट जी इसके नीचे है कॉन्सिक्वेंटली द टर्म ऑफ आई आर वास यूज टू डिस्क्राइब द ऑफिशियल रिले बिटवीन द सॉबरन स्टेट्स फिर क्या हुआ कि जो रियासतों के दरमियान जो ऑफिशियल रिले होते हैं जो स्टेट टू स्टेट ऑफिशियल रिलेशनस थे उनके लिए जो है वो आई आर की टर्म जो जी है यानी इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म जो थी वो आम इस्तेमाल होने लगी और आज दुनिया भर के अंदर जो है इस टर्म को मकबूलियत हासिल है जी इंटरनेशनल रिलेशन जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म इस्तेमाल की जाती है लेकिन मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो फ़िलासफर्स थे जो थिंकर्स हैं जो थिंक टैंक्स हैं वो रियासतों के दरमियान कैम होने वाले जो रिलेशनस हैं उनके लिए और भी टर्म इस्तेमाल करते रहे मस कम्पेरिटिव गर्मेंट रिलेशन स्टडी ऑफ फॉरन अफेयर्स यानी रियासतों के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको बास जो थिंकर्स थे वो या जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो प्रोफेसर्स थे या इंटरनेशनल रिलेशन के जो थिंक टैंक थे वो इसको स्टडी ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी कहते थे या इंटर स्टेट रिलेशंस का नाम भी इसको दिया जाता था इसका जियो पोलिटिक्स का नाम दिया गया ग्लोबल रिलेशन भी इसको कहा गया था ज्यो पोलिटिक का नाम दिया गया इस पोलिटिक्स अमंग नेशंस का नाम इसको दिया गया और बाद लोग इसको इंटरनेशनल अफेयर्स यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को इंटरनेशनल अफेयर्स भी कहते थे और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टर्म इस्तेमाल हुई वर्ल्ड पॉलिटिक्स की टर्म आज भी बड़ी मरूफ है और इसके अलावा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहा गया स्टेट्समैनशिप का नाम इसको दिया गया और ग्लोबल अफेयर्स की टर्म इस्तेमाल की या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की टर्म इस्तेमाल की तो ये वो टर्म्स हैं जो मुख्तलिफ जो सियासी मुफाकरीन हैं या इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट्स लोग थे या जो थे वो रियातों के दरमियान जो स्टेट टू तो स्टेट तो स्टे रिलेशन होते हैं उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल करते रहे हैं लेकिन जब एटीन सेंचुरी के अंदर जर्मी बैंथम ने इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म इस्तेमाल की तो ये सारी टर्म जो हैं ये गैरमरूफ होगी और इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म जो है वो दुनिया भर के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाने लगी और आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से जो है वो अपने डिग्री प्रोग्राम जो है वो अवार्ड करती है जी नेक्स्ट हम आगे हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कुछ बातें रिपीट भी होंगी कुछ बातें नई है इसमें आ जाएंगी जी इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन के ऊपर आप आगे हैं द वे इन विच टू आर मोर नेशंस इंटरैक्ट विद एंड रिगार्ड ईच अदर स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल रिलेशंस, रिलेशनशिप्स दीस डिप्लोमेटिक मिशन सीक टू इंप्रूव द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली क्या है इंटरनेशनल क्या है द वे इन विच बहुत इंपॉर्टेंट है द वे इन विच टू आर मोर नेशंस यानी वो तरीक़ेक वो रास्ता वो चीज़ जिसके ज़रिए दो या दो से ज़्यादा रियातें आपस में इंटरक्ट करती हैं आपस में कोई मामला तय करती हैं इंटरेक्शन कर इंटरडिपेंडेंस करती हैं एक दूसरे के ऊपर इहसार करती हैं तो रियासतों के दरमियान दो या दो से ज़्यादा रियासतों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है जो इंटरेक्ट होता है बाहमी अमल कर जो भी मामला वो आपस में तय करती हैं तो वो क्या है वो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो शुमार होता है किस सिलसिले में होता है स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हो सकता है इकोनॉमिक मामला के ऊपर हो सकता है वो कल्चरल रिलेशनशिप के ऊपर हो सकता है तो दो या दो से ज्यादा रियासतें जब भी किसी इकनॉमिक इशूज़ के ऊपर सोशल इशूज़ के ऊपर कल्चरल या जो वार एंड पीस से मतलब जो मामला होते हैं उनके मतलब इंटरेक्ट करती हैं तो वो मामला जो है उसकी जो स्टडी है डेट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हैंस मार्गन थ्यू मार्गन थ्रू के बारे में आप याद रखिएगा ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इसको फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन भी कहा जाता है तो वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन क्या है इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशंस वट्स द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अकॉर्डिंग टू द दियन ऑफ प्रोफेसर हैंस मार्गन तो मार्गिन कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर द नेशंस तो रियासतों के दरमियान ताकत के हसूल के लिए स्ट्रगल फॉर पावर ताकत के हसूल के लिए जो जद्दोजहद होती है जो कोशिश होती है जो स्ट्रगल होती है उस स्ट्रग, स्ट्रगल को जो है इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है यानी एक रियासत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो वो कोशिश करेगी जो वो स्ट्रगल करेगी जो वो इकदाम करेगी जो वो पॉलिसी से बनाएगी उनकी जो स्टडी है डेट कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन तो अकॉर्डिंग टू द मार्ग थी इंटरनेशनल रिलेशन इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशंस रियासतों के दरम्या यानी एक रियासत दूसरी रियासत के मुकाबले में अपनी पावर को इनक्रीज़ करने के लिए अपने अपने इन्फ्लुएंस को इनक्रीज करने के लिए या दूसरी रियासत के इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए वो जो स्ट्रगल कर रही है वो क्या है वो उसकी जो स्टडी है वो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो वो कहलाएगी और आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं नेक्स्ट uh, पॉइंट है जो हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन द स्टडी ऑफ द ईच अदर एंड विथ इंटरनेशनल एंड सर्टन सब्सटैशल इंटेंडीज जस्ट लाइक ब्योक्रेसीज पोलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स तो यह बात अब रिपीट होना शुरू हो गई है क्योंकि हमने डिटेल के साथ बात कर ली है द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्या है द स्टडी ऑफ द स्टेट्स तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि इंटरनेशनल क्या है इंटरनेशनल रिलेशन है द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ स्टेट्स और नेशंस तो रियासतों के दरमियान जो रिलेशन स्कैम होते हैं उन रिलेशन की जो स्टडी है चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस हों सोशल हों पॉलिटिकल हों कल्चरल हों डेट मे बी अबाउट द वॉर एंड पीस उनकी स्टडी जो है उसको क्या कहेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस कहेंगे विद ईच अदर एंड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और देखें इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसका जो मेजर एक्टर है वो है स्टेट और सेकेंड मेजर एक्टर क्या है गवर्नमेंट और उसके बाद तो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है यानी स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा यू है दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो यू और स्टेट के दरम्या जो रिलेशन होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन तो वो भी इंटरनेशनल रिलेशनस ही शुमार होंगे और उसमें फिर आ, जो इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन हैं उनके अंदर मुख्तफ जो ब्योक्रेसीज के लोग काम कर रहे होते हैं फिर रियासतों के दरमियान पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं तो ये सारे जो हैं इंटरने इनकी स्टडी जो है वो एक ख़ास कंटेक्ट के अंदर जो है इंटरनेशनल रिलेशन ही शुमार होगी एंड निचे नया पैराग्राफ में जी इट इज़ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ़ अदर एकेडमिक डिसिप्लिन इंक्लूडिंग द पोलिटिकल साइंस और जोग्राफी हिस्ट्री इकनॉमिक्स लॉ एंड सोशलोजी साइकोलॉजी एंड फ़िलासफी तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये बेसिकली जो है इसका क्योंकि ये सोशल साइंसिस में शुमार होता है तो दी जो सोशल साइंसिस हैं उसके साथ इसका बर रास्त तल्लक बनता है जब आप इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं <laughs> सॉरी या इसको जानने की कोशिश कर रहे होते हैं तो तो क्या है कि यू कैन नॉट स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन विदाउट द हेल्प ऑफ पोलिटिकल साइंस तो आप अगर पोलिटिकल साइंस के अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इंटरनेशनल रिलेशन को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए जरूरी है कि आप दुनिया के जोग्राफ़ी से भी वाकफ़ हों और इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप हिस्ट्री से भी वाकफ़ हों और इकनॉमिक जो डिवेलपमेंट होती है इकनॉमिक पॉलिसीज होती हैं उनसे भी वाकफ़ हों आपके लिए जरूरी है कि आप इंटरनेशनल लॉ को भी आप स्टडी कर रखे हों और सोशलोजी साइकॉलॉजी और फिलसफी ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं इनका बराह इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जो है तल्लक बनता है तो जब आप इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको इसके साथ साथ पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री जोग्राफी और इकोनॉमिक्स लॉ इंटरनेशनल लॉ सोशलोजी साइकोलॉजी और फिलासफी जैसे जो डिसप्लिन हैं उनको भी जो है स्टडी करना पड़ता है तो इस सवाल से देखें कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो सब्जेक्ट है वो कितना वास्ट वसी है और नेक्स्ट है जी हमारे पास नई नया पॉइंट है द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज़ इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर तो ये इंटर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है तो ब्लेंडिंग द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पोलिटिकल साइंस टू एग्जामिन द टॉपिक्स सच एज द ह्यूमन राइट्स ग्लोबल पॉवर्टी इन्वायरमेंटल इशूज इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन सिक्योरिटी इशूज और इसके अलावा ग्लोबल एथिक्स एंड पोलिटिकल इन्वायरमेंट तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये बेसिकली इंटर सब्जेक्ट है और इसका जो दीगर सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इसका बराह रास्तल है इनके जो इनके जो इसके जो आप जो समझें कि इसके अंदर जिन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं जो इसके कंटेंट्स हैं उनमें से मिलते जुलते कॉन्टेंट्स आप जो हैं कंटेंट्स जो है वो आप पॉलिटिकल साइंस में भी स्टडी कर रहे होते हैं हिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी कर रहे हैं ग्लोबल स्टडी के अंदर कर रहे हैं तो इस हवाले से इसको जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का जो है नाम भी दिया जाता है और नेक्स्ट पॉइंट है जी थ्री सीज थ्री सीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन थ्री सीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू सम समेफिनेशन कन्फ्लिक्ट कंपिटिशन एंड कोऑपरेशन आर three सीस ऑफ इंटरनेशनल relations. Uh, तो ये तीन जो हैं यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर तीन चीजों के गिरद घूमता है नंबर वन कन्फ्लिक्ट इसमें आप कन्फ्लिक्ट को स्टडी करते हैं कि रियासतों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है जो वार है जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो क्यों डेवलप होते हैं और उनको मैनेज कैसे किया जाता है उनको सॉल्व कैसे किया जाता है और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं और ये कन्फ्लिक्स इंटरनेशनल रिलेशन को जो है किस तरह मुतासर करते हैं तो स्टडी ऑफ कन्फ्लिक्ट स्टडी ऑफ़ वार स्टडी ऑफ़ पीस इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक है तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर क्या है रियासतों के दरमियान होने वाले कन्फ्लिक्ट को हम जो है वो स्टडी करते हैं और फिर है कंपटीशन कंपटीशन है हर रियासत अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए वो स्ट्रगल कर रही है कोशिश कर रही है जद्दोजहद कर रही है और दूसरी रियासत से वो बर्तरी लेने की कोशिश कर रही है तो ये जो कंपटीशन है इसको भी हम स्टडी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ रियासतें जो हैं जैसा अमेरिका है जो एक वेस्टर्न लिबरल जो है वो आइडियालॉजी के ऊपर बिलीव करता है और चाइना है रशिया है ये कम्युनिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं तो इन दोनों आइडियालॉजीज़ के दरमियान भी जो है कंपटीशन जो है चल रहा है हर आइडियालॉजी जो है वो दूसरी आइडियालॉजी के ऊपर गालब पाने की कोशिश कर रही है इस्लामिक सिविलाइजेशन है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर भी कंपटीशन की फ़िज़ा कैम है और हर सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन को उसके ऊपर गलबा पाने की कोशिश कर रही है तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है कन्फ्लिक्ट की स्टडी भी है और इन मुख्तलफ आइडियालॉजीज़ के दरमियान रियासतों के दरमियान जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है उसके दरमियान भी जो है उसकी स्टडी को भी जो जा है देखा जाता है और नेक्स्ट है कोऑपरेशन बहुत दिलचस्प बात है एक तरफ रियासतें कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती हैं दूसरी तरफ कॉपरेशन भी कर जिस तरह बहुत सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह दो इंसान जो हैं एक दूसरे के ताउन के बगैर नहीं रह सकते जिस तरह एरिस्टॉटल कहता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल तो जिस तरह मैन इज ए सोशल एनिमल है इन द सेम वे स्टेट इज़ आल्सो सोशल एनिमल कि स्टेट्स को भी दूसरी रास्तों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है जिस तरह एक इंसान जो है कि ह्यूमन बीइंग जो है ही कैन नॉट लिव अलोन वो अकेला नहीं रह सकता जस्ट लाइक द सेम वे स्टेट कैन नॉट लिव अलोन दुनिया में कोई भी रियासत ऐसी आपको नज़र नहीं होगी नजर नहीं आएगी जो अपनी तमाम जो नीड्स हैं उनको अकेले पूरी करती हो अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है उसको बहुत सारे मामलों के ऊपर जो है पाकिस्तान को आप जानते हैं हम सब हमारी क्या पोजिशन होगी है तो पाकिस्तान की उसको जरूरत पड़ जाती है कुछ इशूज ऐसे हैं उसको वो नहीं सॉल्व कर पाता और उसको जो कमज़ोर रियासतें होती हैं बजहर जो कमज़ोर रियासतें होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है तो हर रियासत जो है दूसरी रियासत के ऊपर डिपेंड करती है वो बास का उसको अपने इकनॉमिक इश्यूज़ को मीट करने के लिए बास अपने पॉलिटिकल को बास जो जैसा कुछ अर्सा पहले टेररिज्म की वर्ल्ड टेररिज्म की एक लहर चली थी तो उस टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो है अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी और पाकिस्तान ने फिर अमेरिका का साथ देते हुए टेरिजम के ख़िलाफ़ जो है फ्रंट लाइन स्टेट का जो है किरदार अदा किया था तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका अगर चाहिए मिलिट्री के अतबार से सुपर पावर है और इकनॉमिक उसकी जो इकनॉमिक कंडीशन है वो भी बड़ी मवसर है उसका पोलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके बावजूद उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आ जाती है तो ये क्या है कोऑपरेशन चलता है हर रियासत को दूसरी रियासत के साथ किसी न किसी हवाले से कोऑपरेशन करना पड़ता है कोई भी रियासत है वो दूसरी रियासतों कि कोऑपरेशन के बगैर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती चाहे वो कितनी ही ताकतवर और बास रियासत क्यों ना हो तो थ्री सीज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन क्या है कॉन्फ्लिक्टन कंपटीशन एंड कोऑपरेशन दीज आर द थ्री सीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नेक्स्ट हमारे पास है जी हॉफ मैन सीस हाफ मैन क्या कहते हैं डेफिनेशन इसकी है इंटरनेशनल रिलेशन इज कंसर्नड विद द फैक्टर्स एंड एक्टिविटीज़ फेक्ट द एक्सटर्नल पॉलिसीज एंड द पावर ऑफ द बेसिक यूनिट स्टेट इन विच द वर्ल्ड इज डिडेड ये जो दुनिया है ये मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान तकसीम है ये दुनिया मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान तकसीम है अब ये जो दुनिया मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान तकसीम है तो इसके दरमियान जो है एक पावर पॉलिटिक्स भी चल रही होती है इसके दरमियान फिर एक्सटर्नल रिलेशंस भी कैम होते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है कंसर्न विद द फैक्टर्स एंड एक्टिविटीज विच इफेक्ट द एक्सटर्नल रिलेशन एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द स्टेट्स तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में हम क्या करते हैं कि हम उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो रियासतों के एक्सटर्नल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं तो रियासतों के दरमियान जो एक्सटर्नल रिलेशन होते हैं जो उनकी फॉरन पॉलिसी होती है उसको स्टडी का नाम जो है उसकी स्टडी का नाम जो है इंटरनेशनल रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द हाफ मैन और नेक्स्ट पॉइंट की तो चलते हैं जी मोथिसन सेस डेट इवन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स फॉल विद इन द जरिस्डिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन अब तक अभी जो हमने बात की है उसमें यह था कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये रियासतों के जो एक्सटर्नल रिलेशन होते हैं ये सिर्फ उनको डील करता है एक्सटर्नल रिलेशन से क्या हमारा है यानी एक रियासत के दूसरी रियासत के साथ जो रिले होते हैं सोशल इकनॉमिक कल्चरल जो भी उनकी हैसीयत होगी ये सिर्फ उसको स्टडी करता है लेकिन ट्रेगेव क्या कहता है ट्रेगेव कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं इवन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स फॉल विद इन द ज्योरस्डिकनेशनल रिलेशन वो कहते हैं कि जो रियास्तों के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं वो भी इंटरनेशनल रिलेशन की ज्योरस्डिक्शन में होते हैं कैसे होते हैं इस तरह होते हैं कि एक रियासत के अंदर जो मुख्त वाक़ रूनमा हो रहे होते हैं चाहे वो इकनॉमिक डिवेलपमेंट से मुतल हों वो पोलिटिकल प्रोग्रेस से मुतलक़ हों या किसी भी माशरे के अंदर पोलिटिकल और इकनॉमिक इंस्टेबलिटी के हवाले से हों या वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो दूसरी रियासों के ऊपर भी पड़ता है जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक मिसाल दी थी कि अमेरिका के अंदर जो वर्ल्ड नाइन इलेवन का जो हादसा हुआ उसने पूरी दुनिया को मुतासर किया बज़ाहिर वो क्या है कि अमेरिका के अंदर वाक्य होता है जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन होता है प्रेजिडेंशियल इलेक्शन होता है तो वो अमेरिका का जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन है देखें एक हवाले से वो खालिज इंटरनल मामला होता है लेकिन उसका जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन है वो पूरी दुनिया की सियासत को जो है वो मुतासर कर रहा होता है उस वक़्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसकी नज़रें अमेरिका के प्रेजिडेंशल इलेक्शन के ऊपर लगी होती हैं और अमेरिका का जो प्रेजिडेंशल इलेक्शन है वो अब यूँ समझें कि पूरी दुनिया का इलेक्शन हो रहा होता है और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट मंतख होगा वो प्रेजिडेंट मंतख होने के बाद पूरी दुनिया की सियासत को जो है वो मुतासर कर रहा होता है उसके ऊपर जो है वो असर होने की जो है वो कोशिश कर रहा होता है तो इस तरह जो है तो इसलिए जो है जो इंटरनल हादसा होते हैं वाक़ होते हैं वो भी इंटरनेशनल रिलेशन को मुतासर करते हैं इसलिए है, जो है ट्रेगिव जो है कहता है कि जो इंटरनल मामला होते हैं वो भी इंटरनेशनल रिलेशन की ज्योरिजिक्शन का हिस्सा बन जाते हैं और नेक्स्ट है जी इन शॉर्ट इंटरनेशनल रिश्स डू नाट कवर द ऑफिशियल रिलेशनस कंडक्टेड बाई द लीडर्स ऑफ द स्टेट्स दे आल्सो कवर द रिशंस कंडक्टेड बाय द अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स to the extent they influence the interactions of the sovereign states तो international relation जो है उसका जो दायराकार है वो थोड़ा सा वसी कर देता है वो कहता है कि जो international relations हैं do not cover the official relations देखें इंटरनेशनल रिलेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के दो आस्पेक्ट्स आते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे आस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन तो उसमें ए, एक जो है वो ऑफिशियल रिलेशन होते हैं उसमें सिर्फ स्टेट टू स्टेट डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो डिस्कस uh, होते हैं तो वो कहते हैं जी uh, सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन तक ही इंटरनेशनल रिलेशन महदूद नहीं है और इसमें सिर्फ ऑफिशियल रिलेशनस नहीं आते बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो uh, जो नॉन ऑफिशियल रिलेशनस होते हैं जो खालस कल्चरल होते हैं जो खालस जो है उनका तल्लक सोशल लाइफ के साथ होता है या प्रेशर ग्रुप्स के साथ होता है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरनेशनल रिलेशन उनको भी है स्टडी करता है और जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जैसे एन हैं एम हैं और दीगर जो वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं ग्लोबल दीगर एसोसिएशन हैं तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स को भी डिस्कस करता है और स्टेट एक्टर्स तो वैसे ही इसका बुनियादी जो है वो हिस्सा है जी तो नेक्स्ट हमारे पास है मेन टाइप्स ऑफ एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिले एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को मैं जरा आपको बता दूँ कि एक्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन से क्या अमराद है जो भी चीज़ रियासतों के जो इंटरनल रिलेशनस होते हैं स्टेट टू स्टेट रिलेशनस होते हैं जो भी चीज़ जो भी फैक्टर्स उन रिलेशन पर असरअंदाज होते हैं उनको उनको इन्फ्लुएंस करते हैं उसको इंटरनेशनल रिलेशन का एक्टर कहा जाता है मसलन नंबर वन नेशन स्टेट्स इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे जो मेजर एक्टर है वो है सावरन स्टेट्स उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं उसमें सेकंड जो रिलेशन uh, एक्टर है वो है इंटरनेशनल द ग्लोबल इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स ग्लोबल इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं वो भी इंटरनेशनल रिलेशन का जो है वो एक्टर uh, कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ग्रुप्स हैं एन हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन को सिर्फ जो गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशन होती हैं वही नहीं चलाती बल्कि नॉन गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशन जो होती हैं एन जी ओज हैं उनको भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हासिल होता है एम एन सीज़ हैं मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस हैं टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और मुख्तल जो अलाइंसिस होते हैं अलाइंसिस हैं काउंटर अलाइंसिस हैं जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लालांसिस कैम हुए फिर काउंटर लाइंस हुए सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर और काउंटर लालाइंस हमारे सामने आते हैं नैटो है वार्सअप पैक्ट है सीटो है सेंटो है ये क्या है ये अलायंसिस हैं मिलिट्री अलाइंसिस हैं और ये दीगर जो हैं मामलों को जो है डील करने के लिए जो है ये बनाए जाते हैं तो इन सब की जो स्टडी है ये इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा है और ये इंटरनेशनल रिलेशन के एक्टर्स जो हैं वो शुमार होते हैं टू मेन फील्ड्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनस इंटरनेशनल रिलेशनस क्या है स्टडी द स्टडी ऑफ द वार कन्फ्लिक्ट जी वार को कन्फ्लिक्ट गंफ्री, पीस ये इंटरनेशनल रिलेशन जो है अब इसको यूज नहीं कि जब हम ऑफिशियल रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम वार कन्फ्लिक्ट और पीस को स्टडी कर रहे होते हैं इसके बाद फिर इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती है जिसमें ट्रेड को ट्रेड है और फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है और इंटरनेशनल इन्फ्लुंस है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जीज़े मिलकर ही इंटरनेशनल रिलेशन को डिजाइन करती हैं और यहाँ पे इस वीडियो का काम होता है थैंक्स फॉर वाचिंग मे यूट्यूब चैनल अपना अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा आपके फीडबैक की हमें ज़रूरत भी होती है और आपका फीडबैक जो है वहीं हमें गाइड करता है कि हम जो है वो काम के साथ तक जो है वो आपकी जरूरत के मुताबिक कर रखे होते हैं तो लिहाजा आपने फीडबैक से जरूर कर दीजिए आगा कीजिएगा वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग मे यूट्यूब चैनल अल्लाह हाफिज़